तो भाई निकल गए अपने गेस्ट हाउस से स्टोक की तरफ। स्टोक ना, तो यहाँ से कहाँ पे कितनी दूर है? होगा 13-14 किलोमीटर। तो यहाँ से निकलते हैं थोड़ा बहुत। नागर कह रहे गाड़ी में चलाऊंगा, मेरा थोड़ी चलान दो, बचपन का सपना है, बचपन में पूरा नहीं करना। ये हाँ तुम शायद बता दे जब तुम रुकने आए हुए थे ये वाली इतनी। गाइस नागर प्रॉपर्टी डीलर से खबर आई है कि ये वाली जमीन 6 करोड़ की है जो हमारे साइड में चल रही है। नागर भाई कह रहे हैं बस साल 1000 कम पड़ गया वरना ले लेता। तो अब हम निकल चुके हैं स्टोक की तरफ। तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बज गया और भूख लग रही है। तो हम पहले खाते हैं खाना, उसके बाद निकलेंगे और ले मार्केट घूमेंगे शाम को। और इसके लिए तो कुछ भी घुमा दो, इसे तो एक ही बराबर है। किसको? दीपांशु को। हाँ सब बढ़िया, सब नया है इसके लिए तो। मकलौड़गंज से ऊपर है बस। क्या खाना है? खाने खा लेते हैं। लेवेंडा में क्या है? कुछ और खाने दे रहा यार बिल्कुल आगे आगे तबाह बनाया उसका। हम लोग पहुँच गए हैं ठीक से मॉनेस्ट्री और गाड़ी नीचे ही लगा दी थी। टिकट लगने लगी अब, पहले यहाँ टिकट नहीं लगा करती थी। 50 रुपये टिकट है, नॉमिनल चार्जेस है वो भी मॉनेस्ट्री की मेंटेनेंस के लिए। तो इतना कोई इशू भी नहीं है। ये आज का OTD सब का। हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा। हर गर्मी में होता है ना भाई। यहाँ से एंट्री लेके ये पीछे यहाँ से मैं एकदम ताजा पेंट हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है। 50 रुपये टिकट लगती है। हाँ पहले टिकट नहीं थी। हाँ दे दी तुझे ही रोका ना, मैं था ना पीछे। ये प्रेयर व्हील नीचे उतरते हुए बना लियो, पहले ऊपर हुआ था। यहाँ से ना व्यू भी बहुत बढ़िया आता है पीछे माउंटेन्स का। सी 5 किलोमीटर मुंशी 1430 का है, 1430 साल पुराना। तो यहाँ पे 80 अराउंड मॉन्क्स रहते हैं। 80 मॉन्क्स रहते हैं यहाँ पे, मतलब मोनास्ट्री में जो मॉन्क्स रहते हैं यहाँ पे सुबह रोज़ पूजा के लिए आते हैं। यहाँ पे प्रेयर हॉल जो होते हैं, तो ये वाले टेंपल प्रोटेक्टर टेंपल होते हैं। ओके। ये मोनास्ट्री बनने से पहले बना था 1430 से। ओके। तो उस साइड पे एक मैत्रेया का टेंपल और तारा का टेंपल, ऊपर सिल्वर स्तूपा का टेंपल है। ऊपर भी जाओ आपको टेम्पल मिलेंगे। तो जो अंदर ना बहुत सारे फेसेस ढके हुए हैं, वो क्यों ढके हुए हैं? लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। जो यहाँ आते हर कोई हो तो चेहरा डरावना होता है। ओके। इसलिए ढके रहते। तो होते 3 दिन के लिए खुलते हैं। साल में मोनास्ट्री का फेस्टिवल होता है। तभी कौन से मंथ में होता है? नवंबर या अक्टूबर में चेंज होते रहते हैं। क्या नाम है इनका देवता का? वज्र भैरव। वज्र भैरव, वज्र भैरव। तो हेड मॉन्क का क्या नाम है यहाँ पे? यहाँ का ठीक से रिम्पोचे बोल सकते हैं। ओके। अंदर 3 देवता है ना? इस साइड शतभुज महाकाल, इस साइड धर्मपाल यमराज, बीच में वज्र भैरव। ऐसा नहीं सोचना है कि ये नाम हिंदू है, हिंदुइज्म से कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं। ज़्यादातर हिंदू सोचता है कि ये हमारा देवता है, हमारा गॉड है। नहीं, तो ये हम ठीक से मॉनेस्ट्री के ना टॉप मोस्ट फ्लोर पे हैं। इस फ्लोर पे 2 लाइब्रेरी, उस साइड लाइब्रेरी है और ये एक टेंपल है। और यहाँ पे मुझे ना दिखाई दिया ये ओल्ड मास्क है। ठीक है, ये मास्क जो है ना ये पूरा क्ले से बना हुआ होता है, मिट्टी से, और काफ़ी पुराना है। कम से भी कम नहीं तो 300-400 साल पुराना होगा। बहुत कम बता रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा पुराना होगा। और ऐसे काफ़ी सारे मास्क ना हर मॉनेस्ट्री में होते हैं। तो हर मॉनेस्ट्री का ना एनुअल फेस्टिवल होता है, वो हर सबका अलग अलग होता है, किसी का किसी महीने में, किसी का किसी महीने में। तो जब फेस्टिवल होता है तो ऐसे सारे मास्क गैदर किए जाते हैं। और जैसे यहाँ पे देवता ने, भगवानों ने जो ड्रेसेस पहन रखी है ना, ऐसी हैवी ड्रेसेस, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेसेस जो है वो मंक्स पहन के। और उसके बाद जो यहाँ का जो मेन एरिया, गैदरिंग एरिया है, वहाँ पे छाम डांस डाला जाता है। उसे मास्क डांस बोलते हैं हमारे में, तो हमारी मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस डांस को छाम बोला जाता है। 3-4 दिन चलता है वो, डेली 3 से 4 घंटे। उसमें जैसे यहाँ पे ये ड्रम रखा हुआ है, इस ड्रम को बजाया जाता है, जिससे बहुत हैवी वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत लाउड साउंड आता है। और उसकी बीट्स पे जो है छाम डांस डाला जाता है। क्या होता है ये उसका जो कैमरा है वो ऊपर नीचे करने के लिए मूव। तो भाईजान हमने देख लिया रांचो का स्कूल। अब बहुत बकचोदी कर ली भाई। इंस्टाग्राम पे रील देखो जाके, पता लग जाएगा क्या क्या करा हमने। यहाँ ले के साइड सीन्स में से एक सीन ये भी है, जो भी यहाँ टैक्सी से आते हैं, उससे आते हैं, वो साइड सीन करने में ये जगह देखते हैं। शे पैलेस देखते हैं, ले पैलेस देखते हैं, स्तूपा देखते हैं, शांति स्तूपा। हम लोग ले पैलेस देख नहीं पाएंगे। ले पैलेस हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाता है और टाइम हो रहा 5:15। और नागर भाई फुल फॉर्म में जो बात है, लेट हो रहा है भाई। हम लेट हो रहे हैं क्योंकि फुटबॉल खेलने जाना है। हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। फुटबॉल टर्फ पे लाइट नहीं है, अगर लाइट चली गई तो हम फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। तो मिलते हैं। दीपांशु को वैसे भी थोड़ा कम दिखाई देता है। दीपांशु के पेट की तो फुटबॉल निकलेगी। भांचुक जी से मिलना हो जाता ना, मजे आ जाता। तो मजे ही मजे। पीछे है कोई? नहीं है। तो मैं पहुंच गया हूँ स्टोक गोम्पा और मैंने बाइक रेंट कर ली थी यहाँ पर आने के लिए। अभी आज लोकल साइट सीइंग का प्लान है मेरा। दीपांशु और चक्षु को घर भेज दिया गया है और अब मैं कुछ और दिन यहाँ पर लद्दाख में रुकने वाला हूँ। तो मैंने जो जगह पहले नहीं कवर की है ना, वो जगह मैं दोबारा विज़िट करने वाला हूँ। जैसे कि मैं लास्ट टाइम तुर्तुक नहीं गया था, तो वो मैं शायद कल तुर्तुक के लिए निकल जाऊँ यहाँ से। थोड़ा सा मेरे पास एक इशू है बस, फ़्लाइट से आने का और कार से आने का आपके पास राइडिंग गियर्स नहीं होते। तो मैं आज कोशिश करूँगा, मुझे अगर राइडिंग गियर्स रेंट पे मिल गए ना अच्छे, जैसे मुझे बूट्स चाहिए, पैंट चाहिए, जैकेट चाहिए, अगर मुझे मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर करेंगे कुछ जुगाड़। और यही है अभी का फ़िलहाल का सीन। तो बाइक मैंने पीछे वहाँ पर पार्क कर दी है। यहाँ पे ना इन्होंने बैम्बू लगा रखा है ताकि कोई यहाँ तक बाइक ना लेकर आ पाए। और मैं पीछे का व्यू आपको दिखाऊँगा ना, क्रेज़ी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्रेज़ी। मैंने 0.5 पे कर रखा है फ़ोन का लेंस, फिर भी फ्रेम में फिट नहीं होगा। इतना अमेजिंग व्यू है, फिर मैं दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड। सी ये है स्टोक बुद्धा। और ये स्टोक गोम्पा से व्यू नीचे का। मेरे अलावा सिर्फ दो लोग और हैं यहाँ पे। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। और हवा की आवाज़ है सर, इतनी शांति है ना लद्दाख में, इसीलिए बार बार आने का मन करता है। 4, 5, 6 कितनी भी बार आ जाओ, पेट ही नहीं भरता। इतने मैजेस्टिक व्यूज़ हैं ना यहाँ पे, ये देखो। मोनेस्ट्री का एंट्रेंस है, तो ये खाली पड़ी हुई है मोनेस्ट्री ना। बाकी जितनी भी मोनेस्ट्रीज है ना, सब मोनेस्ट्रीज में मतलब सारी में तो नहीं, जो मोनेस्ट्री मेन रोड पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सिर्फ उन पे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑफर उठाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है। हजार फीट पे थोड़ी सी समस्या होती है, जबकि सीढ़ियाँ इतनी है नहीं वहाँ पे। वहाँ से बस यहाँ तक आया हूँ। सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है। मुझे मोनेस्ट्री बहुत पसंद है। अगर अंदर कैमरा अलाउड होगा चलाना तो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मुझे बहुत पसंद है मोनेस्ट्री। बहुत खूबसूरत है, बहुत कलरफुल। मैं अंदर जाके देखता हूँ, अगर अलाउड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये देखो क्लियर व्यूज, ये है मॉनेस्ट्री के अंदर का व्यू। देख रहे हो कितनी कलरफुल है और इतनी शांति। है नहीं यार, यहाँ पे टाइम हो रहा 6, लग रहा बंद हो गई शायद। देखता हूँ किचन साइड जाके कुछ बोलते हैं। शांत है, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मॉनेस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, 6 बजे बंद हो जाती है। अभी एक भैया मिले थे, उन्होंने बताया कि मॉनेस्ट्री बंद है, कल आइएगा। कल तो आना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, पर कोई नहीं। मेरे पास कुछ शॉट्स हैं तो मॉनेस्ट्री के, पर वो पोर्ट्रेट में है। रील्स के लिए मैंने शॉट किए थे जब मैं विंटर्स में आया था, तब तो मैं वो शॉट्स यहाँ पर डाल दूँगा ताकि अंदर एक बार देखने को मिले। बाकी पीछे यहाँ पर वॉल्स का था टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो हो गई है बंद और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। यहाँ से अब निकलते हैं वापस लेक की तरफ, क्योंकि 7:30 बजे सनसेट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट में सामान वगैरह लेना। बस और कोई खास ऐसा है नहीं, बस राइडिंग लास्ट टाइम जब मैं विंटर्स में आया था ना यहाँ पे, इतना बड़ा एक हेड था उसके दोनों से इंटैक्ट थे, वो हेड पड़ा हुआ था मोनेस्ट्री के बाहर, कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे उसे। तो सर्दियों में यहाँ पे थोड़ा सा ये तो है, कुत्तों से बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ के कुत्ते हमारे यहाँ के जैसे कुत्ते नहीं हैं, जंगली कुत्ते हैं। तो कई मतलब रेयर केसेस में ऐसा भी है, कई बार इंस्टांस ऐसे भी हुए हैं कि जहाँ पे ह्यूमंस पे अटैक किया है वाइल्ड डॉग्स ने विंटर्स में, क्योंकि कुछ खाने को नहीं रहता उनके पास में। इस वजह से ले में तो सरप्लस फूड होता है, काफ़ी सारा होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह का ना, तो वहाँ पे तो उन्हें खाने को मिल जाता है सीज़न में, लेकिन विंटर्स में फिर भी थोड़ा सा इशू होता है। तो जो आउटर साइड के एरिया है जैसे चांगथांग और आप नुब्रा साइड चले जाओ या फिर और रिमोट एरिया जहाँ पे सिर्फ ट्राइब्स रहते हैं ना, उस जगह के जो डॉग्स हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। नॉट लाइक दिस, इज़ अ वेरी क्यूट पपी, ये यहीं पर रहता है, तो थोड़ा सा ये इशू रह जाता है। और अगर ये डॉग और ये अटैक वाले इंसिडेंट्स के बारे में किसी को ज़्यादा जानना हो तो एक डॉक्यूमेंट्री है खी करके यूट्यूब पे, वो देख लेना। तो ये जो है ऐसे ये बाइक है और अब यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं मार्केट, देखते हैं मार्केट पहुँच के मिलना होता है तो ठीक, नहीं तो फिर मिलेंगे जब मिलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डे पता नहीं कौन सा है, काफ़ी दिन हो गए घर से निकले हुए। तो चक्षु और दीपांशु जो है वो वापस यहाँ से घर की तरफ निकल चुके हैं, उन्हें कश्मीर से होते हुए घर जाना था वापस बाय रोड। मेरा कश्मीर करने का कोई ख़ास ऐसा मन था नहीं, तो इस वजह से मैंने स्किप कर दिया है अभी घर जाना, और आई स्टिल हैव सम लीव्स लेफ्ट, तो इसलिए मैं जो है आज निकल रहा हूँ यहाँ से नुब्रा के लिए। तो टारगेट आज मैं कर रहा हूँ तुर्तुक पहुँचने का, ताकि मैं तुर्तुक पहुंच के आज स्टे करूं तुर्तुक में, और कल हुंदर में एक फेस्टिवल है और वो फेस्टिवल अटेंड करके मैं कल आई गेस वापस आ जाऊंगा। ले तो आज का टारगेट बस यही रहने वाला है कि तुर्तुक पहुंचेंगे खारदुंग ला पास होते हुए, और देखते हैं तुर्तुक में क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने बाइक पे बैग्स वगैरह जो है वो कर दिए हैं सेट, ये मेरा हेलमेट, ये बैग मुझे टांगना पड़ेगा, ठीक है। ये बाइक जो है बिल्कुल नहीं है, ये कल मैंने बाइक रेंट की थी 700 किलोमीटर्स पे थी, 800 भी इसके मैंने किए हैं, अभी 1000 किलोमीटर्स भी पूरे नहीं हुए हैं। बाइक परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही है, बाकी अभी और चेक करते हैं 200 किलोमीटर में पता लगेगा राइडिंग क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट, पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आई गेस खारदुंग ला पे। तो मैं पहुँच गया हूँ खारदुंग ला, मैं चला था 650 पे चला था मैं ले से, पेट्रोल फुल करा गया टैंक में, और अभी हो रहे हैं 8 बज गए। तो मुझे 1 घंटा लगा खारदुंग ला पहुँचने, और बहुत स्लो मैं राइड करके आया हूँ, कहीं कोई रैश राइडिंग नहीं। थोड़ा रोड्स जो हैं वो टारमैक ही है वैसे तो, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से ना थोड़ा बीच बीच में जो है वो मडी पैचेस और ग्रेवल मिलेगा आपको, जिसकी वजह से ना बाइक स्लाइड होने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। बाकी इसके अलावा रोड्स कंडीशन बहुत अच्छी है। तो अभी यहाँ पे मैंने देखो कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहन रखे हैं, मैं लास्ट टाइम जब आया तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था अक्टूबर में। थोड़ा सा चढ़ते टाइम पे साउथ कुल्लू साइड पे छाँव रहती है मॉर्निंग में ना, इस वजह से थोड़ा सा चढ़ते टाइम ना बाइक पे ठंडा लगता है, तो ये फिंगर्स जो है ना वो बिल्कुल टिप्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। तो ऊपर आके अभी एकदम नॉर्मल लग रहा है क्योंकि एकदम सन बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रहा है। तो ये है फिलहाल के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू। स्नो नहीं है यहाँ पे ना, बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर साइड पे अगर आप देखोगे तो स्नो मिलेगा आपको। और पीछे का व्यू दिखाता हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं माइटी खारदुंग ला, जो कि कभी वर्ल्ड हाईएस्ट पास हुआ करता था, इसको रिप्लेस कर दिया है उमलिंगला ने। पीछे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी बहुत। इतने सारे हाई पासिस क्रॉस करने की वजह से ना, और इतने दिनों से जो हम 6-7 दिन से 10 दिन से हम जो पहाड़ों में घूम रहे हैं, इसकी वजह से ना ऑक्सीजन लेवल का ऐसा कोई वो लग नहीं रहा है यहाँ पे ना। नहीं तो लोगों को जो फर्स्ट टाइम आते हैं खाते हैं उनको ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, थोड़ा सा इशू रहता है। और आज तो हवा भी नहीं चल रही है यहाँ पे, तो दैट इज़ समथिंग। मैंने मैगी और चाय का ऑर्डर दे दिया क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं निकला था घर से, मैं अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा निकल गया था। तो अभी मैगी आ रही है, मैगी और चाय लेके अपना खा पी के यहाँ से निकलेंगे सूटम सूट आगे की तरफ। देखते हैं आज कितनी देर में पहुँच पाते हैं हम तुर्तुक। तो मिलते हैं फिर आगे जहाँ भी पहुँच पाते हैं। ये रास्ता खारदुंग ला पे ना थोड़ा सा ऊपर जाता है, खारदुंग ला गोम्पा के लिए। ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ भी है और गोम्पा भी है, तो देख ही लेते हैं एक बार जाके ऊपर। और एक चीज़ देखो, स्टेयर्स मेटल से बना रखी हैं ताकि कितनी भी बर्फ़ पड़े ख़राब ना हो। पत्थर निकल जाता है, लोहा रुक जाता है, इसलिए। नीचे एक भाई था, उसने इन पर पैर रखने को मना किया। तो मैं पहुंच गया हूँ हुंदर। दिस्कित से 10 किलोमीटर पीछे रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड था, बहुत ज़्यादा लूज़ ग्रेवल भी है, जहाँ जिसकी वजह से बाइक जो है ना फिसल रही थी। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ हुंदर और मेरे राइट में जो है रास्ता जा रहा है हुंदर का। और यहाँ से बिल्कुल सीधा अगर हम चले जाएंगे तो रास्ता जाएगा तुर्तुक, त्याक्षी, थांग और स्कार्दो। स्कार्दो हम जा नहीं सकते, लेकिन ये रास्ता जाता है स्कार्दो को भी। तो ये रास्ता जो है कैश मिला, हाँ मिल गया ATM में। ये रास्ता जो है ये जा रहा है हुंदर को अंदर, हुंदर विलेज के लिए। पीछे हमारे सैंडियंस है इधर की साइड पे, ये रास्ता सीधा जो है वो तुर्तुक जाता है। और अभी मैं पीछे कहीं भी नहीं रुका मैं, ना तो दिस्कित ना हुंदर रुक रहा हूँ मैं। हुंदर बस यहाँ पर मुझे कैश निकालना था, तो यहाँ पर G&K बैंक के ATM था, जिससे मैंने कैश निकाल लिया है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज है इसलिए मास्क नहीं हटा रहा हूँ मैं, सॉरी। तो अभी यहाँ से सीधा जाएंगे तुर्तुक। और बता रहे हैं कि आगे बिल्कुल ऐसा टारमैक रोड मिलने वाला है, आगे ना ऐसा टारमैक रोड मिलने वाला है। तो 77 किलोमीटर्स मेरे हिसाब से 1.5 से 2 घंटे में हो जाना चाहिए। और फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं कि स्टे कहाँ पर लेना है। अगर टाइम से, अगर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए और टाइम से फ्री हो गए तो फिर हम वापसी हुंदर आ जाएंगे स्टे के लिए, और जिससे हमारा कल का दिन बच जाएगा। तो कुछ ऐसा प्लान, अभी कुछ प्लान नहीं है, आगे जाके देखते हैं तुर्तुक पहुँच के कि क्या सीन रहने वाला है आज रुकने का। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट और पहुँच के मिलते हैं तुर्तुक में। पहुँच गया हूँ थांग। मैं लास्ट टाइम जब नुब्रा आया था तो उस टाइम त्याक्षी तक हम लोगों को जाने देते थे, ठीक है, वो बीट ट्रैक हुआ करता था। लेकिन अब थांग तक ना रोड बन गया है और यहाँ इसके आगे डेड एंड है। और पीछे अगर देखोगे ना तो ये जो रिवर दिखाई दे रही है इसके दूसरी ओर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, ठीक है। अगर मेरे पास बाइनॉक्स होते तो मैं दिखाता, वहाँ पे आर्मी के बंकर्स भी आपको दिखाई देते हैं। और रिवर के जो इस साइड है ये सारा हमारा इंडियन टेरिटरी है। तो हमारे जो गांव का नाम है, हमारे इधर इस गांव का नाम थांग है, उनके गांव का नाम कुछ और है पता नहीं, अभी कुछ बताया तो था इन्होंने। तो भाई और पीछे बोर्ड लग रहा था कि यू आर नाउ अंडर ऑब्जर्वेशन बाय द एनिमी, तो वहाँ से हम भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होता है ना वो मतलब अलग ही है बिल्कुल। सुबह 7 बजे का चला हुआ और अब 2:30 बज गए हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते। रास्ता ठीक भी था, ख़राब बहुत ज़्यादा ख़राब भी मिला, बहुत बढ़िया भी मिला, पर यहाँ पे आके ठीक है अपना सब बढ़िया हो गया। पीछे देखो फ्लैग लगा हुआ है अपना। ये इसके रिवर के दूसरी साइड जो पाकिस्तानी, ये जो POK है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो सारा गिलगिट है, स्कार्दो का गिलगिट है। और यहाँ से 200 किलोमीटर है स्कार्दो, और यहाँ से अगर वापसी जाऊँगा तो 200 किलोमीटर ही है ले। बताओगे अंकल, थोड़ा सा बताओगे इधर इसके बारे में। हाँ, ये मेरा नाम गुलाम हुसैन जी, हाँ जी, मैं इंडिया का लाड़ गाँव थांग में रहने वाला जी। मैं 71 का पहले का पैदाइश हूँ जी। मैं 19 साल पाकिस्तान में रहा, इसलिए हमारे का 53 साल हो रहा है जी। ये 71 का पहले ये 4 गाँव पाकिस्तान का था जी। जुलूम का एक टुर्टुक जी, 2 त्याक्षी जी, 3 थांग 4। ये 4 गाँव जो है 71 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था जी। ये 71 में लड़ाई हो गई जी। ये दिसंबर का 10 तारीख को जंग छिड़ गया, हाँ जी। ये 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया का हो जाएगी, वो गाँव जो है आप देख रहे हैं फसान हो जाता है, वो पाकिस्तान में रह गए जी। पाकिस्तान के ज़माने में ये गाँव एक ही था जी। हम लोगों को इधर ज़मीन था, इन लोगों का इधर ज़मीन था जी। हमारा थांग गाँव का किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का भाई, आधा आदमी वहाँ भाग गया जी, आधा आदमी यहाँ रह गया अभी भी, हाँ अभी भी है जी। फिर 53 साल हो गया, कोई आना जाना नहीं है। अच्छा, गाँव देख रहा है, हाँ जी, देख रहा है। हम खुद का जो है पहले माँ बीबी जो है, माँ बाप जो है वहाँ रह गए जी। अब गाँव में, हाँ जी, मैं अकेले इंडिया में रह गई। 53 साल हो गए जी, कोई आना जाना नहीं जी। माँ बाप गुजर गया। फिर मैं 5 साल के बाद, 5 साल था मैं इंतजार किया, मिलेगा नहीं मिला, हाँ जी। फिर मैं यहाँ शादी कर दी, अभी 6 लड़के दिए। फिर हमको ज़मीन नहीं है, पूरा वहाँ घर जो है ज़मीन जो है पहले बीबी माँ बाप वहाँ रह गए थे पाकिस्तान में, मैं अकेले इंडिया में रह गया। फिर अपना यहाँ शादी कर दिया 5 साल के बाद, 6 लड़का 1 लड़की है। फिर अपने इंडिया का गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमको लड़का ज़्यादा है, परिवार ज़्यादा है, ज़मीन नहीं है, अपना दाल रोटी सबको हो रहा है। तो आप वॉर के बाद से आपकी पूरी फैमिली आपने नए तरीके से शुरुआत किया आपने घर से। तो आपने सुनी अंकल जी की कहानी। तो ऐसी है, मैंने भी कहीं पे ऑनलाइन देखा था, एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे यही सारी बहुत बारीक उसमें डिटेल्स दे रखी थी। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं था उसमें, बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ था कि कुछ लोगों के जो परिवार हैं वॉर से पहले वो बिछड़ गए थे इधर उधर, तो वही अंकल ने जो है वो हमें डिटेल में बताया। तो ये खूबसूरती है बस यहाँ की। आप देखोगे लोग सब तरीके के लोग यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं, ठीक है। लोग काफ़ी खुश हैं, सबने अपना यहाँ पे दुकान वगैरह यहाँ पर, ये जो क्रॉप्स हैं कुछ जैसे कि ये बादाम और ये एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट, ये सब यहाँ पर होता है, तो लोग यहाँ से लेके भी जाते हैं। तो यही है यहाँ का। अब मैं कोशिश करूँगा कि गूगल पे देखो अंकल, मैं डाल देता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से वापस जो है तुर्तुक चला जाऊँ। अगर मैं टाइम से तुर्तुक पहुँच गया तो नहीं, टाइम से अगर मैं हुंदर पहुँच गया तो हुंदर रुकूंगा, नहीं तो फिर देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। सुबह से कुछ खाया नहीं, 7 बजे का चला हुआ, 2:30 बजे आके लगा हूँ, सुबह से भूखा हूँ, तो कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं जब निकलेंगे यहाँ से। तो बैग हमने पैक कर लिया है और हमने वॉलेट्स भी ले लिए यहाँ से, ठीक है। बैग लोड भी कर दिया है पीछे बाइक पे, हेलमेट ग्लव्स सब कुछ सेट है। बस यहाँ से अब निकलेंगे सीधा हुंदर ही टारगेट करते हैं, आज हुंदर ही रुक जाते हैं रात को। यहाँ पे तुर्तुक में ऐसा कुछ खास है नहीं रुकने के लिए। अभी एक भाई मेरे ने बताया कि तुर्तुक रहने दो, हुंदर चले जाओ, हुंदर है लोग। तो आज हुंदर रुकेंगे और कल देखेंगे हुंदर का फेस्टिवल, उसके बाद निकलेंगे आगे ले के लिए। तो अभी रास्ते में कुछ शॉर्ट्स मिलते हैं तो दिखा दो, नहीं तो फिर मिलते हैं हम हुंदर पहुँच से। बॉर्डर से चले हुए हो गया है 1 घंटे से ऊपर और मैं पहुंचा हूं पोस्ट 9। रास्ते में एक आर्मी ऑफिसर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि जहां मैं अभी खड़ा हूं ना, जहां पे भी खड़ा हूं मैं, ये भी पाकिस्तान का ही पार्ट था, पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान के अंदर आता था। और मुझे बॉर्डर से चले हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है। 83 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जिसके बाद मैं ये सारा एरिया जो है वो इंडिया टेरिटरी के अंदर आया। और आप पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ये सामने यहाँ पर बंकर है, यहाँ पर भी कहीं पे बंकर है एक, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अभी भी बंकर बना रखे हैं। इस जगह का नाम है पोस्ट 9। तो ऐसी चीज़ें देखने के बाद मतलब काफ़ी प्राउड फील होता है इंडियन आर्मी के ऊपर, और मतलब काफ़ी सिक्योर फील हो रहा है मुझे यहाँ पर, इतना क्लोज होते हुए पाकिस्तान से, तो अच्छा है। बस अब यहाँ से मुझे शायद 1-1.5 घंटा और लगेगा हुंदर पहुँचने में, तो यहाँ से निकलते हैं और हुंदर में पहुँचते हैं। आ रहे हैं तो मैं इन्हीं के साथ ज्वाइन हो जाऊँगा ताकि आगे दिक्कत ना हो। अंधेर होने में थोड़ा टाइम है,